हेलो एवरीवन तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल यूनिक सरप्राइज ये बॉक्स मम्मा ने दिया था मुझे ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ आए थे उनके पास तो मैंने रख लिया था वेस्ट था ये इसमें मैग्नेट भी लगा हुआ है और ये शादी के कार्ड सिस्टर की शादी के कार्ड्स बच गए थे तो ये यूज करने वाले हैं चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले मैंने ये शादी का कार्ड उठाया और इसके जो अंदर का कार्ड है ना वो पहले मैंने साइड किया बिकॉज इसमें गणपति पापा का लगा हुआ है तो हम बाद में यूज़ करेंगे अभी मैंने एनवेलप जो स्ट्रिक किया हुआ है अच्छी तरह से इसको ओपन किया बिकॉज मुझे एक पेपर चाहिए एक साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेने के लिए तो हम ये पहले बॉक्स उठाएंगे इसकी साइज के अकॉर्डिंग मुझे क्यूब बनाना है मीन जम्पिंग क्यूब मेरा पहला वीडियो भी आपने देखा होगा बहुत प्यार दिया आपने उसके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच तो मैं इसकी साइज है सिक्स बाई ट्वेल्व मुझे मेजरमेंट चाहिए ये टू सेंटीमीटर का जो है वो मैं एक्स्ट्रा कट कर दूंगी बिकॉज वो थोड़ा सा खराब हो गया है पेपर तो मुझे कट करना है तो मुझे ये एटीन सेंटीमीटर का लेना है तो मैंने लिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर बिकॉज टू सेंटीमीटर मुझे कट कर देना है टोटल मैंने ये मेजरमेंट लिया है 18 बाई 15 सेंटीमीटर और हाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट है मीन्स ये 15 सेंटीमीटर है तो वन सेवन एट नाइन एंड फिफ्टीन में हम टिक करेंगे मार्क करेंगे दोनों साइड से एंड एटीन सेंटीमीटर में सिक्स ट्वेल्व एंड एटीन में मार्क करेंगे सारे मेजरमेंट हम अकॉर्डिंग सिक्स uh, सेंटीमीटर की क्यूब के अकॉर्डिंग बना रहे हैं और मैंने जो पहले वीडियो शेयर किया था जो मेरे पेज पे वायरल हुआ है जंपिंग क्यूब्स का वो है सेवन सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बना हुआ है अगर आपको किसी और साइज का क्यूब रेडी करना है तो बहुत ही ईजी जहा पे मैंने वन सेंटीमीटर लिखा है आप वहां पे वन सेंटीमीटर ही लीजिए जहाँ पे मैंने सिक्स सेंटीमीटर लिखा है वहां पे आप uh, जो साइज का क्यूब रेडी करना चाहते हैं उतने सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके बना सकते हैं बहुत ही ईजी है बनाना और जो जो हमें कट करना है मैं वहां पे क्रॉस का टिक कर रही हूं। क्या होगा? आपको बहुत हो जाएगा क्योंकि ये कई बार मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक होती है मुझे जहाँ कट करना नहीं होता है जल्दी जल्दी में मैं वहां कट कर देती हूँ आप चाहे तो इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं आपको ईजी रहेगा चलो फिर ये सब कट होने के बाद हम इसे स्क्रोल कर लेंगे स्क्रोल करने से क्या होता है इसमें प्रॉपर फिनिशिंग आती है मीन्स तो हम जहाँ जहाँ फोल्ड करना चाहते हैं ये वहाँ बहुत इजीली से फोल्ड हो जाता है ये सब फोल्ड होने के बाद हम इसके साइड में जो कॉर्नर्स हैं उन्हें कट करेंगे वो भी हम फिनिशिंग के कारण कर रहे हैं बिकॉज जब हम स्टिक करते हैं तो ये कॉर्नर्स से वैसी फिनिशिंग नहीं आती है चलो फिर अब हम करेंगे सेंटर पे होल और सेम ऐसा मैंने सेकंड रेडी कर दिया आपस में इन दोनों को मैंने ग्लू से स्टिक कर लिया फिर मैंने लिए दो रबड़ बैंड एक बार रबड़ बैंड को चेक कर लीजिएगा दोनों को आपस में लॉक कर दिया और हमने तो दो होल किए थे फर्स्ट होल में एक साइड हम रबड़ बैंड को अंदर डाल के फिर लॉक कर देंगे और सेकंड साइड में सेकंड साइड का जो रबड़ बैंड है उसको डाल के हम वहां पे अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे तीन चार नॉट अच्छे से आपको डालनी है ना क्योंकि बाद में आप इसका रबड़ बैंड चेंज नहीं कर सकते अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर खींचने के बाद रबड़ बैंड लूज हुआ डैमेज हुआ तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है ये सब कुछ होने के बाद हमको इसको स्टिक करना है जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वो भी आपको बहुत ही केयरफुली करना है आ, क्योंकि इधर उधर हो गया तो आ, वैसे फिनिशिंग नहीं आएगी हमारा क्यूब वैसे जंप नहीं करेगा और ये लास्ट में जो पेपर बचा है मैंने इसको अंदर साइड से स्टिक किया है फिनिशिंग भी कोई चीज़ होती है यार ये होने के बाद मैं हमेशा इसे अपने मैट के नीचे रख देती हूँ आफ्टर वन आवर्स के बाद मैं इसे चेक करती हूँ अच्छे से स्टिक हो जाने के बाद बिकॉज अच्छे से जंप होना चाहिए यार सेम ऐसे ही मैंने टेन क्यूब्स रेडी कर लिए मैंने दोनों साइड से मीन्स एक साइड पिंक कलर का था और एक साइड येलो कलर का था तो मैंने मल्टी कलर में रेडी कर दिए दोनों कलर्स में चलो फिर इसको ऐड करते हैं बॉक्स में बॉक्स में थ्री पार्ट्स थे तो सेंटर में मैंने चॉकलेट ऐड किया आप चाहे तो वहाँ पे कोई कार्ड भी एड कर सकते हैं और यहाँ पे आप फोटो भी एड कर सकते हैं क्यूब्स के ऊपर मैंने ब्लैक छोड़ा है मैं बाद में जब किसी को गिफ्ट करूंगी तो ऐड करूंगी फाइव फाइव क्यूब्स करके मैंने इधर उधर एड किए सेंटर में आप मैगनेट लगा तो अच्छे से पैक हो गया फिर चलते हैं फाइनल वीडियो देखने